इंडिया को हाफिज सईद साहब क्यों चाहिए? वो कहते हैं कि जो मुंबई हमले हैं वो उनमें भी हाफिज सईद साहब मुलव्वस हैं। जैसे वाके से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर कॉज का हुआ और सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को पहुंचा है। तो ये अजमल कसाब कौन थे? अमेरिका भी बड़ा इंटरेस्टेड है हाफिज सईद साहब के अंदर, $1 करोड़ इनाम रखा गया एक जमाने में। मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया है। मैंने देखा कि आपने कोई हिफाजती बंदोबस्त भी किए हैं, किससे खतरा है आपको? क्या समझते हैं क्या हुआ 9 मई को, कौन कसूरवार है इसमें? जिस फौज ने आपके लिए खड़े होना है, दिफा करना है, आप उसको मारने लग पड़े, उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करने लग पड़े, ये जो आपका जो तर्ज अमल है हम ये समझते हैं कि ये सरासर गलत है। तो अगर इसमें सियासी जमात के लोग हो तो क्या उनको लखी लड़ने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या हाफिज सईद साहब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो जाए?